दोस्तों, अगर आप युजवेंद्र चहल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में ज्यादातर टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और राजस्थान की टीम भी अपना खतरनाक प्रदर्शन कर रही है। और हाल ही में हुए राजस्थान के कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान की टीम की जीत के मुख्य खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान युजवेंद्र चहल को लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले, युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 30वां मुकाबला राजस्थान और कोलकाता के बीच खेला गया और राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। दरअसल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने 217 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिसमें राजस्थान की ये इस सीजन की 4थी जीत है और वो अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज हो गए हैं, जिसमें राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर ने शतक लगाया तो वहीं युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक समेत 5 विकेट झटके। दरअसल 17वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने गजब की गेंदबाजी की और उन्होंने एक ओवर में हैट्रिक समेत 4 विकेट लिए और उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों स्टंप कराया और इसके बाद 4थी गेंद पर श्रेयस अय्यर कैच आउट हुए और उन्होंने 51 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली और इसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। और इसके बाद 5वीं गेंद पर चहल ने शिवम बावी को रियान पराग के हाथों कैच कराया और ओवर की आखिरी गेंद पर चहल ने पैटक मिंस को विकेटकीपर सैमसन के हाथों कैच कराया और मावी को कमिंस 0 पर आउट हो गए और कोलकाता की टीम को 210 रन पर 2 गेंद पहले ही आउट कर दिया और इस मुकाबले को राजस्थान की टीम 7 रन से जीत गई। जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें कपिल देव ने कहा कि युजवेंद्र चहल ने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत राजस्थान की टीम इसे हारे हुए मुकाबले को जीत गई, क्योंकि युजवेंद्र चहल अगर अपने 17वें ओवर में विकेट नहीं लेते तो इस मुकाबले को राजस्थान की टीम बिल्कुल भी नहीं जीत रही थी और समय से पहले ही कोलकाता की टीम इस मुकाबले को जीत जाती, लेकिन युजवेंद्र चहल की खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोलकाता के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी नहीं चली। इसके कारण राजस्थान की टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, जहां जीत मिलनी नामुमकिन सी लग रही थी। तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि युजवेंद्र चहल ने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और अपने खतरनाक फिरकी गेंदबाजी से विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए और जिस प्रकार से उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में पूरे मैच का पासा पलट दिया है, वास्तव में वो सराहनीय है, क्योंकि एक ओवर में ही मैच को पूरी तरीके से पलट देने वाला खिलाड़ी मैच का हीरो माना जाता है और ऐसा कार्य युजवेंद्र चहल ने इस मुकाबले में किया और उनकी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर टीम नामुमकिन से दिख रहे मुकाबले को जीत गई। तो वहीं दीप दास गुप्ता ने कहा कि युजवेंद्र चहल के कारण तो राजस्थान की टीम जीती है, लेकिन जॉस बटलर ने इस मुकाबले में नींव रखी थी, क्योंकि अगर जॉस बटलर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक नहीं जड़ते तो टीम का स्कोर इतना आगे नहीं पहुंच पाता और गेंदबाजों के लिए इतने बड़े लक्ष्य का बचाव करने में आसानी नहीं होती। और इसमें जॉस बटलर की बल्लेबाजी के बाद युजवेंद्र चहल ने कोलकाता के सामने और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और मुकाबले को कोलकाता की टीम को बिल्कुल भी नहीं जीतने दिया और राजस्थान की टीम को अपने खतरनाक प्रदर्शन से जीत दिला दी। दोस्तों, युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी को आप कितने अंक देंगे, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।